हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागॉजी सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है लेसन नंबर टू या वीडियो नंबर टू। इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं एक्विजिशन एंड लर्निंग पर। ये एक सिद्धांत होगा, एक थ्योरी होगी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की, जिसको दिया था स्टीफन क्रेशन ने, जो कि एक अमेरिकन या कैलिफोर्नियन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और इनकी अगर हम बात करें तो इनका एक सिद्धांत है जिसका नाम है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थियोरी। अब इसमें इन्होंने पांच प्रकार की हाइपोथेसिस दी हैं, परिकल्पनाएं दी हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण लिंग्विस्ट हैं ये या एजुकेशनल रिसर्चर हैं, तो इनकी थियोरी को समझेंगे। हमने बात की थी लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन की फर्स्ट वीडियो में इंग्लिश पेडागॉजी के। लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन में मेन डिफरेंस यही रहता है कि एक्वायर जब आप करते हैं किसी भी चीज़ को या भाषा को, तो आप सबकॉन्शियसली कर लेते हैं, कॉन्शियसली अटेंशन पे नहीं करते, जैसे आप अपनी मातृभाषा को एक्वायर करते हैं तो आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप सुन करके देख करके बोलना शुरू कर देते हैं, उस माहौल में होते हैं आप, बिना किताबों के, बिना कॉन्शियस लर्निंग के, बिना रूल्स के आप सीख जाते हैं ये भाषा, तो ये एक्विजिशन कहलाता है। जब हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं कॉन्शियस होकर के, रूल्स से, बुक्स से, स्कूल जा करके, वो क्या है, आपकी लर्निंग कहलाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये स्टीफन क्रेशन कहते हैं कि आप दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर सकते हैं। किस स्थिति में, उसकी पांच परिकल्पनाएं इन्होंने दी हैं, पांच स्थितियां दी हैं, ये कह सकते हैं। याद रखने के लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म या निमोनिक्स बना सकते हैं, जिसके हम थोड़े से फैन भी हैं निमोनिक्स के, अलग अलग थियोरीज के हमने निमोनिक्स बनाए हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई हैं, तो एमनिया से आप इसको याद रख पाएंगे। पांच इनकी हाइपोथेसिस हैं, पेपर टू में स्पेशली क्वेश्चन आया है कई बार, तो देखते हैं इन पांच हाइपोथेसिस को एक एक करके समझेंगे और बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाएंगे हम लोग। फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा द एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथेसिस। आई होप ये सब कुछ विजिबल होगा क्लियरली आपको। द एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथेसिस जो फर्स्ट वन का नाम है, इससे रिलेटेड आपको कुछ नोट्स या एक आध दो इमेजेस वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ताकि आप और अच्छे से इसको डिस्क्रिप्शन में देख सकें। अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज द एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथेसिस। अगर हम बात करें तो ये इस हाइपोथेसिस में, इस परिकल्पना में या इस एक छोटे से पॉइंट में ये कहते हैं स्टीफन क्रेशन कि जो एक्विजिशन है, भाषा को जब आप एक्वायर कर लें बिना कॉन्शियसली एफर्ट किए, तब वो ज़्यादा बेहतर है आपकी लर्निंग की जगह पर। मतलब कि भाषा जो है, दूसरी भाषा, उसको इस तरह से सिखाया जाना चाहिए कि वो सिखाया भी ना जाए और बच्चा एक्वायर कर ले। मेन अगर इसमें मुद्दा निकल करके ये आएगा कि आप टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें, बच्चे को वो माहौल दें। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो अटरेंसेज पर ध्यान दे बच्चा, अटरेंसेज या जो प्रोनंसिएशन है, बेसिकली कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो समझ पाए, कॉम्प्रिहेंड कर पाए। तो लैंग्वेज एक्विजिशन अगर होगा तो वो बेहतर होगा एनी डे लर्निंग से। मतलब लर्निंग में क्या है, यहाँ पर एक्वायर करते हैं आप भाषा और फिर आप लर्निंग करने स्कूल जाते हैं, या दूसरी भाषा को आप लर्न करते हैं, उसके रूल्स आपको पता होते हैं, वो कैब पता होती है, स्ट्रक्चर पता होता है, बट फिर भी आपको बोलने में दिक्कत हो रही होती है क्योंकि आपने उसको एक्वायर नहीं किया। तो इन्होंने कहा एक्विजिशन इज बेटर देन लर्निंग, इसलिए इनकी थ्योरी का नाम भी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे, ये एक बेसिक पॉइंट था, इसके बिना आप आगे नहीं समझ सकते ये थ्योरी, ऐसे समझ सकते हैं हम। नेक्स्ट एक सेकेंड पॉइंट पर हम लोग बढ़ने वाले हैं, ए को हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम आएंगे एम पर। एम क्या कहता है यहाँ पर, द मॉनिटर हाइपोथेसिस। अभी हमने पढ़ा था एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथेसिस, अब हम पढ़ेंगे द मॉनिटर हाइपोथेसिस। बहुत ही सिंपल है, एकदम प्रैक्टिकल सी थ्योरी है। द मॉनिटर हाइपोथेसिस मतलब मॉनिटर परिकल्पना, इसको ये कह सकते हैं हम। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो आपकी ये जो चीज़ है, आपकी एक हुई लर्निंग और दूसरा हुआ आपका एक्विजिशन, अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपने पहले क्या किया, एक्वायर कर लिया किसी भी भाषा को, ये एक्विजिशन पर लागू होती है ये बात, कि आपने एक्वायर किया किसी लैंग्वेज को, अब ये जो एक्विजिशन है, यहाँ पर फिर आप जाएंगे लर्निंग की तरफ। भाई ऐसा तो है नहीं, अगर आपने मदर टंग अपनी पढ़ ली और आप स्कूल जाकर के ही सीखते हैं उसको, लिखना तो, पढ़ना तो, बोलना आप घर पर सीख गए। अब जब आप रूल्स वगैरह पढ़ते हैं, मतलब एक्वायर करने के बाद भाषा को, जब आप भाषा सीखते हैं कॉन्शियसली, तब ये जो एक्विजिशन है, इसमें परिवर्तन होता है लर्निंग की वजह से। मतलब मान लीजिए एक आपका कुछ भी डायलेक्ट होते हैं आपके बोली के, मान लीजिए हिंदी, सामान्य हिंदी बोली जाती है आपके घर में, लेकिन जब आप स्कूल जाते हैं
तो आप सीखते हैं कि अच्छा कई सेंटेंसेस को या कई वाक्यों को हम ना गलत इस्तेमाल करते हैं, कुछ आगे पीछे इसमें जो वर्ब है या जो नाउन है या कोई एक जो स्ट्रक्चर है सिंटेक्स वगैरह आप बेहतर सीख पाते हैं। तो ये जो आपकी एक्विजिशन थी जो आपने घर से सीखी थी, अब जब आप लर्निंग करेंगे तो ये लर्निंग हेल्प करेगी इसको बेहतर बनाने में। तो यही है मॉनिटर हाइपोथेसिस, मतलब मॉनिटर करेगी आपकी लर्निंग एक्विजिशन को। तो ये एक बात है ध्यान में रखने वाली। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट रहेगा जो कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, द नेचुरल हाइपोथेसिस, एंड फॉर द नेचुरल हाइपोथेसिस। थर्ड वन इज द नेचुरल, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश कर रही हूँ, नेचुरल हाइपोथेसिस। नेचुरल हाइपोथेसिस के नाम से आप समझ पा रहे होंगे, मतलब प्राकृतिक रूप से आप भाषा को एक्वायर कर पाए। अब यहाँ पर नेचुरल हाइपोथेसिस का मतलब है कि बच्चे क्या हैं, ग्रामर जो है उसको नेचुरल वे में सीख जाते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे उन पर थोप नहीं देंगे कि इसी टाइम पर यही रूल इसी तरह से सीखना है, नेचुरली उनको सीखने देना है जिस वे में वो चल रहे हों उस वे में। तो ये बात हुई नेचुरल हाइपोथेसिस की। नेक्स्ट रहेगा फोर्थ वन, हम बात कर चुके हैं तीन की यहां पर। नेक्स्ट रहेगा द इनपुट हाइपोथेसिस, आई फॉर इनपुट, द इनपुट हाइपोथेसिस। अब इनपुट से आप समझ रहे हैं कि कुछ देना है यहाँ पर। अगर हम बात करें तो इनपुट हाइपोथेसिस में क्या होता है, इनपुट्स दिए जाते हैं। इनपुट्स कौन सी चीज़ में, जो कॉम्प्रिहेंसिबल हो, ऐसे इनपुट्स। बच्चे को आप क्या करेंगे, कुछ कुछ इनपुट्स देंगे, वो रियलिया के थ्रू हो सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हो सकते हैं, आपके एक्शंस के थ्रू हो सकते हैं, आपके वर्ड्स के थ्रू हो सकते हैं भाषा में, लेकिन किस तरह के होंगे वो, जितना बच्चे को आता है उससे जस्ट एडवांस, थोड़ा सा एडवांस लेवल, लेकिन जिसको वो समझ पाए, कॉम्प्रिहेंसिबल हो वो। तो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट अगर होगा तो बच्चा बेहतर तरीके से समझ पाएगा। कॉम्प्रिहेंशन पर इन्होंने बहुत जोर दिया है, इन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन या बात अगर हम करें लर्निंग की, लैंग्वेज की, एक्विजिशन की, तो आपकी एक्विजिशन दो ही प्रकार से हो सकती है, एक है आपका कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट्स और दूसरा है एंग्जाइटी ना हो, जिसकी बात हम अभी करेंगे। नेक्स्ट पर बढ़ेंगे जो कि लास्ट वन है, और इसको समराइज करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से एक एक को समझ पाएं। जो लोग पहली बार शायद इसको कर रहे होंगे उनको कंफ्यूजन हो सकती है, इसको भी क्लियर कर लेंगे लास्ट में। द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, ये पांचवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इसको कह सकते हैं, द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये इसको समझेंगे, आपने अफेक्टिव मोटर डोमेन सुना होगा अगर आपने कभी B.S. ब्लूम को पढ़ा है, उनकी टैक्सोनॉमी को पढ़ा है। अगर हम समझना चाहें यहाँ पर तो अफेक्टिव का जो मतलब है, जो हमें अफेक्ट करें, हमारे इमोशंस से संबंधित, हमारे संवेगों से संबंधित। तो जो ये इमोशंस से संबंधित होगा, यहाँ पर तीन चीज़ें आती हैं, यहाँ पर तीन चीज़ें आएंगी। एक तो आपके आ जाता है एंग्जाइटी लेवल, दूसरा आ जाता है आपकी मोटिवेशन, और तीसरा आ जाता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस या यहाँ पर इसको सेल्फ एस्टीम भी कह सकते हैं, ठीक है, मतलब आप खुद को किस तरह से देखते हैं, सीख कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो वाला फील है। अगर हम बात करें, अगर एंग्जाइटी आपकी हाई है लैंग्वेज सीखते टाइम, मोटिवेशन आपकी लो है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका लो है, तो क्या होगा, जैसा कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, फिल्टर लग जाएगा। अब ये फिल्टर एक तरह की दीवार मान लीजिए, मतलब जैसा कि नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं कि भाई आपके ना दिमाग में क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है आपके अंदर, ह्यूमन बीइंग्स में। अब वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस तक ये मान सकते हैं हम कि अगर ये दो चीज़ें इस तरह से हुई, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हुआ, मोटिवेशन लो हुई और एंग्जाइटी ज़्यादा हुई बच्चे को, तो क्या होगा, उसका जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो इनपुट जा ही नहीं पाएगा अंदर, मतलब वो एक्वायर कर ही नहीं पाएगा, वो जो बेसिकली प्लेस है दिमाग में कहीं ना कहीं, वो ब्रेन में वो हिट ही नहीं हो पाएगा, इनपुट जाएगा ही नहीं, क्योंकि दीवार खड़ी हो गई, फिल्टर लग गया। किसकी वजह से, क्योंकि एक तो मोटिवेशन डाउन था और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन था और एंग्जाइटी ज़्यादा थी। अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे, एंग्जाइटी अगर कम हो तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, एंग्जाइटी कम हो, मोटिवेशन ज़्यादा हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा हो, बच्चा आसानी से लैंग्वेज को एक्वायर कर जाएगा। तो इस स्थिति में टीचर्स के लिए ये ज़रूरी है कि जो माहौल है वो एकदम चिल आउट हो, एकदम क्या हो, एंग्जाइटी फ्री हो, और तब बच्चे को क्या हो, इनपुट्स मिले, वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, तो उसे पता है कोई गलत नहीं कहने वाला, उसको कुछ बेइज्जती नहीं होगी, उसकी इंसल्ट नहीं होगी, उसको मज़े में कम्युनिकेट किया जाएगा, उसकी भाषा को बेसिकली क्या कहते हैं, प्रेफरेंस दी जाएगी या इंपॉर्टेंस मिलेगी उसको भी, अगर वो अपनी बात रखेगा तो तरीके से। तो ये सब चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं यहाँ पर ध्यान में रखना। अगर हम बात करें तो दो चीज़ें यहाँ पर समझना ज़रूरी है, इसको रिवाइज करेंगे फटाफट से एक मिनट लेकर के, ताकि ये क्लियर हो जाए, बिल्कुल आपको दिमाग में एकदम छप जाए, हम ये कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो
तो इन्होंने दो चीज पे बल दिया बहुत ज्यादा स्टीफन क्रेशन ने, कि भाई एक तो आप कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट्स दीजिए और दूसरा क्या है, एंग्जाइटी को कम कीजिए, एंग्जाइटी फ्री माहौल होगा तब आप एक्वायर कर पाएंगे लैंग्वेज को। हो सकता है आप एंग्जाइटी आपके लिए कहीं जगह पर हेल्प कर दे परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत, लेकिन अगर लैंग्वेज एक्विजिशन की बात है तो बिल्कुल फ्री माहौल हो जहां आप कम्युनिकेट कर सकें, तो वो एक चीज हुई। अब यहां पर समझ लेते हैं फटाफट से, इनको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था आपका, द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे क्या था कि जो एक्विजिशन है भाषा का वो जरूरी है, मतलब कि भाषा को एक्वायर किया जाए वो जरूरी है, मतलब टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेशन हो बच्चों के साथ तो वो जरूरी है, थोपना नहीं है उन पर, लेकिन उस माहौल को उन्हें दिया जाना चाहिए ताकि एक्वायर कर सकें बच्चे भाषा को। दूसरा क्या है, एम, एम मतलब कि द मास्टर हाइपोथेसिस, द मॉनिटर हाइपोथेसिस को कहेंगे, मास्टर नहीं कहेंगे, द मॉनिटर हाइपोथेसिस। ये है मतलब आपके दिमाग में क्या है, मॉनिटर करती है आपकी जो लैंग्वेज का एक्विजिशन हुआ है, जब आप लर्निंग करने जाएंगे तो ये लर्निंग आपकी जो एक्विजिशन है उसको ठीक करेगी, मॉनिटर करेगी, तो वो एक बात हुई। तीसरा है आपका यहाँ पर, थर्ड वन इज द नेचुरल हाइपोथेसिस। नेचुरल में क्या है, नेचुरल बेसिकली नेचुरल वे में बच्चा ग्रामर के रूल्स को अडेप्ट करता है और उसको उसी वे में करने दिया जाना चाहिए। फोर्थ है आपका द इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस में बेसिकली क्या है, अगर हम बात करें तो इनपुट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिबल हो, बच्चे के लेवल से थोड़े से ही हाई हो, ना तो बहुत ज्यादा ऐसा हो कि बच्चा फर्स्ट पे है, वन पे है और आप 10 का इनपुट दे रहे हैं तो कोई वो समझ ही नहीं पाएगा, और बच्चा वन पे है और आप 0.5 का दे रहे हैं तो 1.2 का या दो का, तीन का, चार का, मतलब आसपास दीजिए, एडवांस इनपुट दीजिए लेकिन कॉम्प्रिहेंसिबल हो। फिर लास्ट आपका वही बचता है जिसमें हमने बात की थी, अफेक्टिव डोमेन की या अफेक्टिव फिल्टर की, कि आपके इमोशनल आस्पेक्ट अगर जितना नॉर्मल होगा उतना बेहतर एक्विजिशन होगा, आपकी एंग्जाइटी कम होनी चाहिए, मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक बात हुई, ये कुछ पांच चीज़ें थी, और इस थ्योरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम बच्चों को एकदम फ्री एनवायरमेंट में भाषा को एक्वायर कराना चाहते हैं या वो बेहतर तरीके से समझ पाएँ भाषा को, यूज़ कर पाएँ, तो हमें क्या करना होगा, एक तो कम्युनिकेशन पे भी बल देना है, कम्युनिकेशन मतलब जबरदस्ती वाली नहीं, लेकिन टारगेट लैंग्वेज से वो कहीं ना कहीं आसपास हो, टारगेट लैंग्वेज माहौल उस तरह का हो। दूसरा क्या है, इमोशंस की वजह से बच्चा परेशान ना हो, एंग्शियस माहौल ना हो, वहाँ पर मोटिवेटेड फील करे, इनपुट्स आप जहाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ पर दें, जो मॉनिटर करेगी आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन को, लर्निंग आपकी। तो ये मेन चीज़ें थी जो हमने इस थ्योरी के बारे में पढ़ी। इसके अलावा आपको सिर्फ एक इमेज मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर जिससे आप ये समझ जाएंगे, नोट क्रिएट कर पाएंगे नोट्स पांचों के। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कॉमेंट सेक्शन में बताएं अपने विचार। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ, ऑल द वेरी बेस्ट।